कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण था कुरुक्षेत्र में, उन्होंने 6-6.5 मिनट सिर्फ किसानों पे बोला जिनका पहले वो नाम नहीं लेते थे। तो इसका मतलब तो स्पष्ट है कि सरकार ये भांप चुकी है, सरकार को इस चीज का एनालिसिस हो चुका है कि किसान और मजदूर जिन्होंने भाजपा को लोकसभा इलेक्शन में हाफ किया हरियाणा के अंदर, अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो भाजपा को विधानसभा इलेक्शन में साफ कर देंगे। 10 साल में जिस पॉलिटिकल पार्टी ने सत्ता में रहते हुए किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, पहलवानों के ऊपर, आंगनवाड़ी वर्करों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर ज्यादतियां करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उस राजनीतिक पार्टी को हम सबक सिखाएंगे। और जैसे जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हरियाणा सरकार किसानों को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके हैं वो अपना रही है। कल कुरुक्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 23 फसलों को MSP पर खरीदने की बात है वो कही है। उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ मौजूद है। कुहाड़ साहब, लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कड़ा विरोध है, वो भारतीय जनता पार्टी को वो झेलना पड़ा, 10 सीटों में से 5 पर सिमट कर रह गई। अब किसान उसको बड़ा कड़े में ले रही है सरकार, लुभाने वायदे हैं वो किए जा रहे हैं, क्या मानते हो जो 23 फसलें MSP पर खरीदने की बात अब मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं, कितना दबाव है वो सरकार पर बनाने में आप सफल रहे हो? देखो, सबसे पहली बात तो ये, दबाव तो सरकार पे पूरा है, नहीं तो जो पार्टी किसान और मजदूर का नाम लेना पसंद नहीं करती थी, आज उस पार्टी के तमाम मुखिया, चाहे वो प्रदेश लेवल के हों चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, वो सुबह शाम दिन रात किसान और किसान, किसान और किसान ही बात कर रहे हैं। कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण था कुरुक्षेत्र में, उन्होंने 6-6.5 मिनट सिर्फ किसानों पे बोला जिनका पहले वो नाम नहीं लेते थे। तो इसका मतलब तो स्पष्ट है कि सरकार ये भांप चुकी है, सरकार को इस चीज़ का एनालिसिस हो चुका है कि किसान और मजदूर जिन्होंने भाजपा को लोकसभा इलेक्शन में हाफ किया हरियाणा के अंदर, अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो भाजपा को विधानसभा इलेक्शन में साफ कर देंगे। ये किसानों और मजदूरों का मन बन चुका है। अब जो आपने बात कही 23 फसलों पे उन्होंने कहा हम MSP पे खरीद देंगे, उस वो एकमात्र घोषणा है, उसकी सच्चाई जानना जरूरी है। सरकार तो ये कहती है कि हम 14 फसलें हरियाणा में MSP पे खरीद रहे हैं। ये अभी हमारे पास ये सारे किसान ही खड़े हैं, अभी हमारी मीटिंग चल रही थी यहाँ पे, तमाम साथी खड़े हैं। सरसों का MSP 5,650 रुपया क्विंटल है और सरसों की पैदावार पिछले सीजन में पूरे हरियाणा में 14 लाख टन हुई है, लेकिन किसानों की सरसों बिकी है 4,200-4,500-4,600 रुपया प्रति क्विंटल, उसका MSP है 5,650 रुपया प्रति क्विंटल। ना तो किसानों की MSP पे बिकी और ना ही उनको भावांतर भरपाई योजना के तहत 1,000 या 1,200 रुपये प्रति क्विंटल दिया गया, उनको तो नहीं दिया गया। किसी किसान को मिला हो तो आप पूछ लीजिए, किसी किसान को नहीं मिला। आप उसी तरीके से आप देखोगे मूंग का, अगर देखोगे मूंग का MSP है 8,682 रुपया प्रति क्विंटल, हरियाणा में मूंग बिकी है 7,075 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, 6,500 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से भी बिकी। तो उस पर किसने, कौन सी सरकार ने किसानों की मूंग खरीदी, कौन सी सरकार ने किसानों को, मूंग के किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत वो 1,500 से लेकर 2,000 रुपया प्रति क्विंटल का दिया, किसी किसान को नहीं दिया। तो सरकार ये सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। और एक और बात, जो फसलों की खरीद का मामला है, जो MSP घोषित होता है, जो MSP कानून बनेगा, ये संवैधानिक तौर पे केंद्र सरकार के दायरे में आता है। आप ये देखो, CACP संस्था है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, वो MSP तय करती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट तो करती नहीं, ना ही नायब सैनी जी तय करते हैं, ना ही कोई पंजाब के मुख्यमंत्री तय करते हैं, MSP तो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, CACP तय करता है। तो जब कोई स्टेट गवर्नमेंट MSP तय ही नहीं कर सकती, तो फिर ये किस तरीके से MSP पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं? MSP गारंटी कानून जो बनेगा वो हमारे देश की संसद में बनेगा और वहां का जो बना हुआ कानून होगा वही पूरे देश में लागू होगा। इसके अलावा आप देखो, चाहे नेफेड संस्था हो या NCCF हो, जो ये बड़ी बड़ी संस्थाएं जो प्रोक्यूरमेंट करती हैं वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात जो समझने की है, 2014 में जब प्रधानमंत्री जी बने थे, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे थे माननीय मोदी जी, तो मोदी जी ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में एक फैसला लिया था कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने किसानों को फसलों पे बोनस नहीं देगी। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने किसानों को फसलों पे बोनस देगी तो केंद्र सरकार की एजेंसियां उस स्टेट गवर्नमेंट से अनाज नहीं खरीदेंगी। तो जब वो इस तरीके से पाबंद करते हैं, इस तरीके से रोक लगाते हैं प्रोक्यूरमेंट के मामले में, तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे फैसला ले सकती है? लेकिन अभिमन्यु जी बड़े मन से बड़ी बात कह रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री की, हम MSP गारंटी दे रहे हैं, हरियाणा में MSP पर फसलें हैं वो खरीदी जा रही हैं, इस
को किस तरह से देख रहे हैं, इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आगामी विधानसभा चुनाव में किसानों की वोट लेने का ये नया तरीका तो है नायब सिंह सैनी ने है, वो नहीं अपना लिया? देखो, जुबान के आगे खुला मैदान है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। नायब सिंह सैनी जी 24 की बजाय 48 फसलों की भी बात कर सकते हैं, वो कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि भाई हम सत्ता में आए तो 800 रुपया क्विंटल गंदे का रेट कर देंगे। कहने को क्या है, कहने को कुछ भी कह दो, कर क्या रहे हो, सवाल तो वो है ना। आप ये कह रहे हो, मैं एक बात कह रहा हूं, अगर ये 14 फसलें हरियाणा में एमएसपी पर खरीद रहे होते तो इनकी इस घोषणा पे 2% 10% विश्वास किया जा सकता था कि ये 23 फसलें एमएसपी पे खरीदेंगे। लेकिन जिन 14 फसलों की ये डींग मारते हैं कि हम भाई 14 फसलें खरीद रहे हैं एमएसपी पर, उनका मैंने आपको सच्चाई बता दी ना। बाजरा खरीदने की बात करते हैं, बाजरा पे कैपिंग लगा रखी है। तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में अभिमन्यु कोहाड़ या फिर जो किसान नेता जो खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं, शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, वो संगठन हरियाणा में जैसे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार हुआ, क्या विधानसभा चुनावों में भी बहिष्कार होगा? किस पार्टी को वोट बैंक है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा किसानों का? देखो, अभी हम गाँव में थे, यहाँ सैकड़ों किसान बैठे थे, किसान भाइयों से बातचीत करने आए थे, किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए हमारी मुहिम चल रही है लगातार तमाम जिलों में। अभी हमारे तमाम जिलों के हमारे किसानों के मजदूरों के सम्मेलन भी होंगे, उसके बाद 15 सितंबर को हमारी जींद के उचाणा में राष्ट्रीय स्तर की रैली है, 22 तारीख को हमारी कुरुक्षेत्र में भी एक राष्ट्रीय स्तर की रैली है। हमारा जो काम है वो ये है कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, लोगों को एकजुट करना, लोगों को लामबंद करना। हमारा ये कोई काम नहीं है कि फलानी पार्टी को वोट बैंक शिफ्ट कर दिया या फलानी पार्टी को वोट देने की अपील कर दी। आप भी अभी यहाँ बैठे थे, सैकड़ों की संख्या में यहाँ किसान थे, हमने तो किसी को वोट देने की अपील नहीं करी, हमने तो किसी भी किसान को ये नहीं कहा कि फलाने कैंडिडेट को वोट देना या फलानी पार्टी को देना। हमने तो सिर्फ इतना कहा कि 10 साल में जिस पॉलिटिकल पार्टी ने सत्ता में रहते हुए किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, पहलवानों के ऊपर, आंगनवाड़ी वर्करों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर ज्यादतियां करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उस राजनीतिक पार्टी को हम सबक सिखाएंगे और इसको लेकर सारे किसान मजदूर सहमत हैं। देखिए, अभिमन्यु कुहाड़ ने कहा कि नायब सिंह सैनी ने जो बयान दिया है कि हम 23 फसलें हैं वो एमएसपी गारंटी पर खरीदेंगे, वो केवल जुमला है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती है, किसानों को खुश करना चाहती है, क्योंकि किसानों ने लोकसभा चुनावों में एक चोट है वो बीजेपी को की है, 10 से 1/2 में ला दिया, और अगर ऐसे ही किसान नाराज रहे तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा से साफ कर दिया जाएगा। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।